समय मन में गलत विचार आते हैं, तब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए ताकि नाम लेते समय सिर्फ भगवान ही मेरे मन में हो? वेरी गुड। कभी कभी ऐसा होता है व्हेन वी आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, तो उसको ऐसे विचार आते हैं। पर ये विचार क्यों आ रहे होते हैं, इसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरीके से समझाया अपनी बुक्स में। जैसे ना अगर एक तालाब हो और तालाब में ना नीचे बहुत काई जमी हुई है, तो ऊपर पानी साफ नजर आ रहा होता है लेकिन नीचे काई है, तो ना जब खरोचा जाता है तो क्या होता है, काई नीचे से ऊपर आती है और देखता है तालाब और गंदा हो गया, हम तो तालाब साफ करने चले थे और तालाब और गंदा हो गया। पर ऐसे तालाब गंदा नहीं हुआ, तालाब साफ हो रहा है, उसके नीचे जो काई थी जमी हुई थी वो खरोच खरोच जब निकल रही है, अब सरफेस पे आ गई काई, अब काई को लेकर के किनारे कर दे। हरे कृष्ण भगवान का नाम, वो जो काई जमी हुई है ग्रज की, क्रोध की, गंदी गंदी इच्छाओं की और लेफ्ट राइट इच्छाओं की, संस्कारों की, अब वो खरोच खरोच करके उसको निकाल रहा है, तो सर्फेस पे आता है। जैसे तालाब के सर्फेस पे जो काई आती है तो क्या करते हैं, उसको लेकर के किनारे कर देते हैं। उस तरह से इन विचारों को एंटरटेन नहीं करना, इन विचारों को बोला है बहुत बढ़िया, ऐसे विचार तो आने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी हरे कृष्ण कर लो, उसके बाद इन विचारों पर जरूर जाऊंगा। तो इन विचारों को बोला कि हाँ बिल्कुल, नेगेटिव विचार, नेगेटिव विचार बड़ी अच्छी बात, बस ये मेरी हरे कृष्ण हो जाए फिर तेरे को मैं एंटरटेन करूंगा। बिल्कुल, हमारे एक आचार्य, उनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनके पास जब एक वैश्य आई थी कि नो आई एम हियर फॉर योर प्लेजर, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आई सैटिस्फाई यू, एक बार अपनी माला पूरी कर लूँ ना, देन आई विल सैटिस्फाई। पोस्टपोन कर रहे थे उसको, पोस्टपोन करते करते उसको भक्त बना दिया नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने। इस तरह से ऐसे नेगेटिव विचार भी आते हैं हमारी लाइफ में, कोई बोलना चाहिए हाँ बिल्कुल हम सैटिस्फाई करेंगे आपको, एक बार माला पूरी कर लें अच्छे से फिर करते हैं, पर अच्छे से हरे कृष्ण करने के बाद ये नेगेटिव विचार रहेंगे ही नहीं। तो सर आप हरे कृष्ण करें नेगेटिव विचार आ रहे हैं, अगर ये हरे कृष्ण से नहीं आ रहे, ये आपके अंदर पहले से पड़े हुए थे, अब वो हरे कृष्ण उसको वहां से निकाल रहा है, हमारे काई जब आ जाएगी सरफेस पे इसको लेकर के किनारे कर देना, इसको इग्नोर करना, इस पर ड्वेल नहीं करना, ड्वेल करेंगे तो मरेंगे। सो दैट इज काई को फिर से दबाना नहीं होता, उसको बाहर लेकर के फेंक देना होता है। सो दैट इज वी कैन डील विद दिस नेगेटिव थॉट्स व्हिच समटाइम्स कम बिकॉज नाम प्रभु साफ सफाई कर रहे हैं। ये भगवान के नाम की महिमा देखिए, अदरवाइज साफ सफाई करना एक एक जो है जो क्लीनर होता है उसका काम होता है, भगवान एक क्लीनर का काम कर रहे हैं हमारे हृदय के अंदर। वाओ, दैट्स सो ग्लोरियस। सो स्वच्छ भारत अभियान में ये भी आता है, स्वच्छ भारत मतलब भारतीयों का हृदय भी स्वच्छ हो, पर ये काम कर रहे हैं हमारे हरि नाम प्रभु, भगवान का नाम।